इब्राहिम साहब हाँ उ खतन के अगर खत था अचन मुनीब के धार किया तो मंसूर अली शाह साहब खत लिखी वजाहत घुरी वजाहत जो चीफ जस्टिस साहब डी वह तो ढी भयानक खड़ी चाहिए यारह नुकता चीफ बयान कया तो मुनीब के छो धार किया एडाक जजन से मिसबिहेव करे तो खोड़ केस अड़ा जै जै बेंच जो हिस्सो केस लटकियल रहन था तकड़ा फैसला को अचन एड़ी चार्जशीट है मुकम्मल या उन्होंने इो भी बुधायो तो हू स्टे आर्डर दियण में दिलचस्पी रखन था के डिटेल फैसला उण में दिलचस्पी को रखन उन भी अड़े मानू के अव लगे तो जैसे चीफ यो चवे तो वो मानू सुप्रीम कोर्ट में होजन खपे पेरों सवाल तो यो बो सवाल हो तो माजिद साहब जो गाल करे पे जी यहाँ आइनी तरमीम अचे थी मंजूर थे थी तो गाल ये थी हलन तो सके ही अठ ज अठ जज उन कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के खिलाफ थी बीहन या रिजाइन कर हलिया वन इन पास भी सूरत हाल वही सके थी जैसे पंजे नंबर से हाईकोर्ट में खड़ी जस्टिस साकिब निसार सुप्रीम कोर्ट में खुद किया तहरीक इंसाफ जो दादिल जज साकिब निसार जड़ो तो सजो या समझ में या स्कीम जो समझने की जरूरत है आईन के आर्टिकल 28 वाली बो जो इंसाफ अजो कंडक्ट है उनके दाग दहलवी में खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं साफ साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं तो मुझी जगह कोर्ट रिपोर्टिंग जो तजुर्बो रो है बेटी साल उनमें कदें कें जज के कें बेंच जैसे वो नहाए वेठो कोर्ट में चिट्ठी को कदें किथे मुख्य याद ना कई जज उठी धड़न के हिसाब से ब जज करीम गडु थे टे जज गडु थे पर जैसे केस लगी तो वे ये कोड ऑफ कंडक्ट में आए तोर्ट में तेज हेड की अंदाज में इंसल्ट ना जस्टिस मुनीब अख्तर टे नंबर पर आया तो उन्हें तो साबित कर चीफ जस्टिस नुकता उठाया हुआ वो नुको पहले साबित तो कर जजन से रवैयो कड़ो है तो जैसे भाई माजरत करनी है यह गाल तुम पा अच्छी असल में उन इजहार करी नफरत को सियासत कर शौक है उनको उन सियासत कई है व्यक्ति सियासी केसन में इन्वॉल्व है पैरी हेयरिंग में स्टे दई केस के जो तो खुले लाइन लगान वाली इनके रवायत रही है तो उनके कंडक्ट से जो सो रिछ वाली गाल सदाई रही है आप जो इख्तलाफी नोट हूं वह भी भजन के विर्च जो इजहार जो सो उन्हें खबर पवी है तो बेंच जो कड़े नमूने बढ़ाई रही है तो विर्च जो मसलो ना मसलो है सियासत करनी है जो सो डामिनेंट कंखे थियणो है वो जो शॉर्ट कटिंग थी है शॉर्ट कट इन जिन जिन के फिट किया वो है जिन जिन जहन की असमें खबर है वो इजहार थो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का फैसलो कें पार्ट सियासी पार्टी पार्लियामेंट जो है पार्लियामेंट जो थी तो सो पार्लियामेंट के अख्तियार है कॉन्स्टिट्यूशन में का भी तरमीम कर सके थी इन साधी पार्लियामेंट जो सो 2015 में फौजी कोर्टू कायम करनी कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम कई बिन साल कोर्ट में हल्दी रही कोर्टू हल्द रही तो पार्लियामेंट के हथ में कि बधी सको रुगो यो सोचे नीयत जो हि है दिखा दुझे को स्टेट ए वो जो सो जो राय है ये खुद अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राय है सारी स्कीम जो सो परवेज इलाही के वरी वजीर आला मुकर्र कर हवाले से हुई उन्हें परवेज इलाही बोर्ड बधी वेठो इकतदार से उनके सरबराह इमरान खान उन्हें असेंबली छोड़ा छोड़ उन्हें फैसले में कॉन्स्टिट्यूशनल लाजन उन्हें खत्म करने नजर से दरख्वास्त है उन्हें अचे आई राय से उन्हें बिछड़ जो है पुरानी राय उसमें तो अवं अचो भी न चिठी मोकले दो वरी मुतालबो पो कर उनमें शामिल कर राय आयो सु दो जज इंदो केस हलो अठ जज इस्तीफा तो रही वन सुप्रीम कोर्ट बी रही है सुप्रीम कोर्ट हलंदी बाबा वो जो 40 साल का केस पाया जगह पेंडिंग में क्रिमिनल ज्यूरिस्डिक्शन जा अपीलेट साइड में वो केर हलाए तमा जो को तो बस ही फलाने की जमानत थी फलाने के पलो मिलो निशान फलाने जो ट्रिब्यूनल थयो फलाने जो एकड़े ही फलाने जो एकड़े फलाने ते कोर्ट के हलनो है एकड़े फलाने ते मुल्क के हलनो है जो तजुर्बो बंद थणो पड़े
इन्हें हिते बिल्कुल कोर्ट ऑफ कंडक्ट के खिलाफ वर्जी कई है रेफरेंस थे।